चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बेहद अहम हो गया है। चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने चांद पर फिर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान करेगा क्या, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 के संचार में लैंडर अहम भूमिका निभाएगा क्योंकि ये लैंडर से निकले रोवर से संचार करता है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। ये रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार करेगा। इनके अलावा ये बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधा संवाद करेगा। दूसरी तरफ इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किए हैं। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा, यानी ये वहाँ इलेक्ट्रॉनों के स्तर और वक्त के साथ उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी जुटाएगा। लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है ILSA, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये चंद्रयान 3 लैंडर के लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। ये भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में चांद पर बस्तियां बसाई जानी है तो सबसे पहले भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया जाना जरूरी है। इसलिए ये उपकरण चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।